नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु सिंह और परिहार शॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि ये जो NIOS का ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन था, बहुत लोगों को यह समस्या थी कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन में उनका वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत लोगों को सलाह दी कि आप UDISE कोड चेंज करके देखें, लेकिन शायद उन लोगों से नहीं बना। तो यदि आप में भी प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन का दिक्कत हो रहा है, तो आप देखिए कैसे प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम को, ब्रिज कोर्स के प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको BEd टीचर में जाना होगा, अपने जो शिक्षक का लॉगिन पोर्टल है, और लॉगिन पोर्टल में आप यहाँ पे यह चेक करें कि आपका UDISE कोड और ये जो प्रिंसिपल का UDISE कोड है, जो प्रिंसिपल लॉगिन करके खोलता है, सेम है कि नहीं। यदि सेम नहीं है तो आपको यह दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यह प्रिंसिपल का ये UDISE कोड है, जो प्रिंसिपल का UDISE कोड है जिससे प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन है, उसका UDISE कोड कॉपी करें और यहाँ पे अपडेट UDISE कोड की जगह पे यहाँ पे फिल कर दें। यहाँ पे आप इसे फिल करें, फिल करने के बाद अपडेट कर दें। बस आपको अपने प्रोफाइल में सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आप प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन में जाएं। कैसे प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहाँ पर आप लॉगिन करें। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन, और इस कोड और इस प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन जब आप खोल रहे हैं तब ध्यान दें कि यही कोड से वहाँ पे लॉगिन हो रहा है, यही UDISE नंबर से। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे 02 आखिरी में था, इस UDISE कोड को मैंने डाला, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर मैंने डाला और यहाँ पे मैंने सबमिट किया। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आने लगा कि ये मोहम्मद आसिफ, यह नाम पहले नहीं आ रहा था, जिनको समस्या हो रही थी, इन्होंने मेरे को पर्सनली मेरे को अपना अपना प्रिंसिपल का पूरा जानकारी, अपना जानकारी पर्सनली इन्होंने मेरे को मेल किया, थैंक यू फॉर आपने हमें पर्सनल जानकारी अपना मेल किया, जिसके कारण हमने बहुत लोगों का समस्या सॉल्व कर सका। तो यहीं पर आपका दिखाने लगेगा, जस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करना है और कन्फर्म एडमिशन में क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म एडमिशन में क्लिक करेंगे, ये आपका एडमिशन कंफर्म यहाँ लिखाने लगा, इसका मतलब यह है कि इनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये दोनों UDISE कोड, जो आपके टीचर रजिस्ट्रेशन में UDISE कोड है और प्रिंसिपल का जो UDISE कोड है, जो प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन में आप UDISE कोड यूज किए हैं, दोनों UDISE कोड को सेम करें। एक ही तरह दोनों UDISE कोड को आप कर देंगे, उसके बाद आपका यह है यहाँ पे जानकारी शो करने लगेगा। जैसे ही यहाँ पे जानकारी शो करेगा, आप यहाँ जाकर आप अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे यह वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।